गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं भारत वगैरह आपके लिए लेकर आया हूँ दूसरा वीडियो। सब्जेक्ट हमारा डिसीज ऑफ फील्ड और क्रॉप्स, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए दूसरा वीडियो, तीसरा नंबर तीन वीडियो लेकर आया हूँ। और यह 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पहले ही करा चुका हूँ, आप लोग जाकर देखिए। चैनल पर वीडियो अपलोडेड है और डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूँगा और आप लोग जाकर देख लीजिए। और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब नहीं करते बुरा लगता है, और कह जी सब्सक्राइब कर लो यार, इससे और जी। और इस बार हम लेकर आए हैं 100 क्वेश्चन और लेके आए हैं इस वीडियो में। आपको 100 क्वेश्चन कंप्लीट कराए जाएंगे इस वीडियो में। अगर 50 हुए तो नेक्स्ट वीडियो में 50 होंगे, तो मतलब आपको 4 वीडियो देखनी है, 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी आपके अच्छी प्रैक्टिस के लिए। बेस्ट ऑफ लक। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा है, गेहूँ के ईयर को के लोग का वर्णन कीजिए। क्या है इसका? सिंह एटेल ने दिया था, कब दिया था? 1953 में दिया था। 30% नुकसान बताया था इसके लिए, तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, गेहूं के रोगजनक हैं क्या? कॉल कॉकल पिक्त। कैसा लग रहा है वीडियो आपको हमारा? चैनल को लाइक करें, शेयर करें, दबा के सब्सक्राइब करें। प्लांट डिसीज पुस्तक के लेखक कौन है? आर एस सिंह। पादप विषाणु विज्ञान के जनक कौन है? विजय रिंक। इनको ध्यान से देख लेंगे, ये हमारे आर एस सिंह साहब हैं, ये पुस्तक के लेखक हैं। और विजय रिंक ये पादप विज्ञान के जनक हैं। ये आपका बनाना भूल गया। पुरातन कवकनाशी है क्या? सल्फर। सल्फर एक पुरातन कवकनाशी है। फंजाजाई एंड प्लांट पुस्तक के लेखक कौन है? ईजे बटलर। ओके, कौन है? ईजे बटलर को याद रखेंगे। सल्फर, विजय रिंग, आर एस सिंह। ओके, इन 5 लोगों को याद रखेंगे। यह गेहूं का कैंकर रोग का रोगजनक क्या नाम है? टिटेलिया इंडिका। करनाल वंट दूसरा नाम है इसका। करनाल वंट के कारण होता है ये कैंकर रोग। किसके कारण होता है? करनाल वंट के कारण। तो दोस्तों, हमारे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो हम 8-9 बजे लेकर आएंगे फिर से। और चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देखें, लिंक डाल दिया। टेलीग्राम की भी डाल दूंगा और प्लेलिस्ट की भी डाल दूंगा, और जो दो वीडियो अपलोड है उनकी भी डाल दूंगा, ठीक है। गेहूं के चुनिल फफूंदी का अन्य नाम क्या नाम है? मिल्ड्यू, चूड़ी फफूंद और बुकनी। फिर से देखते हैं, क्या का नाम है? मिल्ड्यू, चूड़ी फफूंद और बुकनी। इसका क्या नाम था? टिटिली एंड का। करनाल वंट रोग करनाल वंट के कारण होता है। ईजे बटल उसके हैं। सूरजमुखी का अल्टरनेरिया रोग का रोगजनक क्या है? अल्टरनेरिया हेलियंसी हसफ। ठीक से कर देते हैं, अल्टरनेलिया हेलियंसी हसफ पूरा कर देते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे, चने का सबसे हानिकारक रोग कौन सा है? एस्कोफाइटा, अंगवारी व सीणता रोग। ये तीनों रोग अलग अलग हैं, ये तीनों रोग सबसे हानिकारक रोग हैं। इनमें से सबसे हानिकारक ये एस्कोफाइटा है, उसके बाद अंगमारी आता है, उसके बाद सीणता आता है। नेक्स्ट देखेंगे, मटर का मृदुरोमिल आस्ता रोग का जीव क्या रहेगा? पेरोनोस्पोरा पाइली। क्या रहेगा? पेरोनोस्पोरा पाइली। आम के क्रूचनद या क्रूपता रोग का रोगजनक क्या है? फ्यूजेरियम मैमिली फॉर्मिंग। क्या है? फ्यूजेरियम मैमिली फॉर्मिंग। आलू के पछेती झुलसा रोग को अन्य नाम से आयरिस क्या नाम जाना था? आयरिस अंगमारी। फिर से पढ़ लेंगे, आलू के पछेती झुलसा अन्य नाम से जाना जाता है, क्या है अन्य नाम इसका? अंगमारी या आयरिस, ठीक है। ये आलू के पछेती झुलसी, ये आलू के पछेती झुलसा रोग का कारक क्या है? फाइटोफ्योथोरा स्केटेंथ सेक्सटेंथ है ये। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है, आप लोग देख लेंगे और चैनल को दबा के सब्सक्राइब करें। दबा के अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं,
नेक्स्ट रहेगा अल्टरनेरिया ब्लाइट किस फसल में लगता है, किस फसल में लगता है, जीरे की फसल में क्या लगता है अल्टरनेरिया ब्लाइट, क्या लगता है अल्टरनेरिया ब्लाइट किस में लगता है, जीरे में। टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है, किससे संबंधित है, मूंगफली का टिक्का रोग, ऐसे याद कर लेंगे मूंगफली का टिक्का रोग। नेक्स्ट देखेंगे डाउनी मिल्ड्यू रोग किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, सरसों से, डाउनी मिल्ड्यू किससे संबंधित, सरसों से। कैंकर रोग किस फसल का है, टमाटर का कैंकर रोग। ओके इन सबको फिर से देखेंगे, अल्टरनेरिया ब्लाइट किस में होता है, जीरे में, मूंगफली का टिक्का रोग, डाउनी मिल्ड्यू सरसों में, कैंकर रोग टमाटर, आलू के रोग कौन कौन से रोग हैं, आलू के, आलू में लेट ब्लाइट लगता है, ब्लैक हार्ट लगता है आलू के रोग, लेट ब्लाइट ब्लैक हार्ट। लाल शरण रोग किसका है, गन्ने का, गन्ने में कौन सा रोग लगता है, लाल शरण रोग, गन्ने का लाल विगलम, इसका क्या नाम है, कॉलेटोट्राइकम फैल्केटम, किसके द्वारा होता है, कवक के द्वारा होता है। फिर से देखेंगे गन्ने का लाल विगलम रोग, कॉलेटोट्राइकम फैल्केटम, एक कवक के द्वारा होता है, ठीक है। रेड रॉट ब्राउन का नाम क्या 1906 में किसने दिया, ईजे बटलर ने दिया था, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ईजे बटलर ने दिया था। जीवाणु रोग कौन सा है, क्राउन मेल, कौन सा है, क्राउन मोल मेल एक जीवाणु रोग है ये। नेक्स्ट देखेंगे कवक के कारण बीमारी कौन सी होती है, कोई भी बीमारी कवक के कारण नहीं होती है। बीज जनित रोग आलू का मोजिक क्या होता है, टिक्का रोग किसे कहते हैं, ये सभी मतलब प्रारंभिक स्मट, पीवट स्मट, विषाक्त लीफ स्मट, ये प्रारंभिक लीफ स्मट, विशाल लीफ स्मट। ओके और इसमें ये वाला अगर मूंगफली का टिक्का रोग आ गया तो उसमें क्या लगाना है अपन को, ऑप्शन में सभी, क्योंकि उसमें चार ऑप्शन आएंगे और चारों सही रहेंगे, क्या आएगा उसमें, प्रारंभिक, पीवट, विषाक्त, लास्ट में लिखा होगा लीफ स्मट। लाल विगलम गलने का रोग पहली बार किसने दिया था, रेट के द्वारा दिया गया था 1893। गन्ने का लाल विगलन रोग किसने दिया, रेट के द्वारा 1893। चाय का लाल जंग रोग किसके कारण, शैवाल के कारण होता है, चाय का लाल जंग रोग किसके कारण होता है, शैवाल का। लाल जंग का नाम वनस्पति का नाम क्या है, कैमेलिया साइनोसिस। फिर से देखेंगे इनको, लाल विगलन गन्ने का किसने दिया था, किसने दिया, रेट के द्वारा दिया गया था। चाय का लाल जंग रोग यानी कि चाय में लाल जंग रोग लगता है किसके कारण होता है, ये शैवाल के कारण होता है। लाल जंग का नाम वनस्पति क्या नाम है, वनस्पति का नाम कैमेलिया साइनोसिस। लाल जंग रोग किस शैवाल से होता है, सेल्फालोरस के कारण होता है। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, हम आपके लिए मोस्ट से मोस्ट वीडियो लेकर आएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आपका दिन शुभ भी रहे, अच्छा भी रहे, हमारे चैनल पर आपका हमेशा स्वागत भी रहे।